नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाढ़ की मार झेल रहे अम्बाला के लोगों का दर्द जानने के साथ साथ उनकी मदद करने के इरादे से ग्राउंड जीरो पर उतरे सांसद कार्तिकेय शर्मा पिछले कई दिनों से सीधा लोगों के संपर्क में हैं। वे लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें हल करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अम्बाला शहर के विभिन्न गाँवों का दौरा किया और लोगों का दर्द जाना। इस दौरान गाँव नग्गल पहुँचने पर लोगों ने कार्तिकेय शर्मा से कहा कि शर्मा परिवार ही लोगों का दर्द समझ सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने यहां पर साइफन लगवाया था और साइफन का लाभ आज तक कई गांवों के लोगों को मिल रहा है। कार्तिकेय शर्मा ने अम्बाला के गांव नग्गल, सकराव, खासपुरा, अधोमाजरा, मटेहड़ी, शेखा, गोविंदगढ़ के साथ साथ अर्बन एरिया में बलदेव नगर, लक्ष्मी नगर समेत कई एरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गाँवों में उन लोगों के घरों में जाकर निरीक्षण किया जिनकी इस बाढ़ के कारण घर की दीवारों में दरारें और छत गिरी है। उन परिवारों से मुलाकात कर दर्द जाना। इस दौरान ग्रामीण लोगों ने बताया कि अम्बाला के ग्रामीण एरिया में बाढ़ के कारण पशुधन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं लोगों ने कहा कि बेशक पानी उतर गया है लेकिन अब उन्हें इस बाढ़ की मार के कारण बीमारियों का डर सता रहा है। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वह पहले ही सरकार को लिखित रूप से कई बिंदुओं पर अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि बाढ़ के बाद मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत महसूस होगी और सरकार ने उनकी मांग मानते हुए स्वास्थ्य विभाग को स्पेशल सुविधाएँ देने के आदेश दिए हुए हैं। अम्बाला से हमारा एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।